नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस सा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संविधान संशोधन के विषय में भारत में सफल के निकट केलक सरकार के आलोचना। मधेशवादी आदिवासी जनजाति संबंध दल सब के असंतुष्टि संबोधन के लिए संविधान संशोधन कर आवश्यक रहा सभामुख भंसरी घाटी को कहब। प्रधानमंत्री दहाल के भारत भ्रमण भादव 30 गते 3 दिन के भ्रमण के कोनो एकटा पैघ परियोजना के लिए समझौता करबाक तैयारी। जनकपुरक मारवाड़ी समुदाय अरुण सिंघानिया हत्या प्रकरण में पुलिस के अनुसंधान प्रति असंतुष्टि। आटरकी स्थित एक शहर में विवाह समारोह में भेल विस्फोट, 30 गोटे की मृत्यु, 94 से बेसी घायल। आप समाचार विस्तार से। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संविधान संशोधन के विषय में भारत में सफल के निकट सरकार के आलोचना कैलक। व्यवस्थापिका संसदक रवि दिन बैसल बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले के सांसद सब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान संशोधन होत कहकर चिट्ठी देव आपत्तिजनक रहल कहत सरकार के आलोचना केने छल। प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में दिल्ली भ्रमण में रहल उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि शनि दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान के संशोधन कक सर्वस्वीकार्य बनाब के मुदा सहित प्रधानमंत्री दहाल के पत्र बुझौने सलाह। एमाले संसद यज्ञराज सुनवार संविधान संशोधन के विषय में दिल्ली में सफल करय लेल पहुंचला से सरकार दिल्ली के इशारा बिना किछु काज नहि होयत कहकर संदेश देने बतौलन। ई अपना सभक लेल राष्ट्रीय लज्जा के विषय सेहो भेल हुनक कहब छल। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल सेहो नेपालक संविधान संशोधन के विषय में दिल्ली में सफल होयब राष्ट्रीयता के दृष्टि से चिंता के विषय भेल बतौने छथि। त्यहाँ छलफल चल्नु पर्ने थियो, तर नयाँ सरकारले एउटा नयाँ सुरुवात गरेको छ। दिल्लीको इसरा बाहेक केही पनि हुन सक्दैन भनेर अनुमति लिन आज चाहिँ नि सरकार त्यहाँ पुगेको छ। यो वास्तवमा हामी यो सार्वभौम संसदका संसदप्रतिको अपमान हो। नेपालको संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामिला हो। यसमा भारतले बढी चासो राख्नु नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नै हो। संसदक बैसार में विशेष समय लक बजने एमाले के सांसद सब भूकंप प्रभावित सब के घर बनाबक लेल पहल किस्ता के रकम देबा अबेर कैल गेल प्रति खास क कांग्रेस ऊपर कटाक्ष केलन। एमाले सांसद सब राम हरीश द्विवेदी आ यज्ञराज सुनवार प्रतिपक्ष में रहल समय में भूकंप प्रभावित सब के पहल किस्ता में 1.5 लाख रुपया देबा पड़त कहकर सदन अवरोध कर नेपाली कांग्रेस सरकार में गेलाक बाद भूकंप प्रभावित सब के किया बिसरल गेल अछि कहकर प्रश्न सेहो केलन। ओ सब प्रतिपक्ष में रहित काल कड़ा स्वर में आ सरकार में गेलाक बाद मुँह नुका कर चल वाला कांग्रेसी प्रवृत्ति के भूकंप प्रभावित सब नजदीक से देख रहल सेहो बतौने छल। काला बजारिया र सिन्डिकेट वाला से सरकार गर्दै यसले आफ्नो आयु बढाउने चेष्टा गर्दै छ। भूकम्पको कुरा उठ्यो, पुनर्निर्माणको कुरा उठ्यो, मलाई त लाग्छ नेपाल बनिएको आजका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारको नेतृत्वले 5 लाख दिने उहाँले कुरा गर्नु भएको थियो। एकैचोटि 2 लाख दिने काङ्ग्रेसले यहाँ हाम्रा मित्र सत्तारूढ काङ्ग्रेसहरूले 7 दिने संसदहरूले गर्नुभएको छ। आज तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? 5 लाखको प्रस्ताव एकैचोटि गर्ने माननीय प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र संसदलाई हप्तौँ विभिन्न नाममा खास गरिकन एकमुष्ट रूपमा 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारमा सहभागी भइसकेपछि घर घरमा जनताले पैसा पाउँछन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। यति समस्या गम्भीर हुँदाहुँदै पनि आज सत्ता र सत्ताको नेतृत्व र सरकारमा पुगेपछि उहाँहरूको स्वर किन मलिलो बन्दैछ, किन कमजोर हुँदैछ? व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकको कारवाही प्रतिपक्षी सांसद सब जवाब मंगलाक बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस के सांसद सेहो भूकंप प्रभावित सब के पहल किस्ता स्वरूप 1.5 लाख रुपया देबाक कहकर संसद मार्फत कैल गेल घोषणा तत्काल कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। संसदक बैसार में किछु सांसद गाजात्रा पावनि उपत्यका बाहर के जिला में सेहो मनेला से एहि पावनि में राष्ट्रीय विदा देबक के मांग सेहो केने छल। संसद सब शून्य आ विशेष समय लक 1 घंटा बजलाक बाद संसदक बैसार भादव 12 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। सभामुख अंसरी घरती मधेशवादी आ आदिवासी जनजाति संबद्ध दल सब के असंतुष्टि संबोधन के लेल संविधान संशोधन कर आवश्यक रहल बतौलनि अछि। सभामुख घरती रवि दिन सांसद सब के उपस्थिति में काठमांडू में कयल गेल एक कार्यक्रम में एखन सतह में देखल गेल संविधान संगे संबंधित विवाद समाधानक लेल संशोधन आवश्यक रहल बतौली। ओ संविधान संशोधन कऽ कऽ
असन्तुष्टि सम्बोधन केलाक बाद मात्रै संविधान परिकल्पना केने आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक विकास सम्भव होवत बतौने छलथि। ओ सब संविधान संशोधन के लेल मुख्य राजनीतिक दल सब सहमति जुटाबे में अपने विश्वस्त रहल सेहो बतौने छलीह। संविधानसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई समेत मुख्य राजनीतिक दलहरूले सहमतिकै आधारमा सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अनि मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सबै क्षेत्र वर्ग समुदाय र लिङ्गको विकासका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनेछ। संसदको ध्यान पनि संविधानको व्यवस्थित कार्यान्वयन गराउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने, विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाउने र जनजीविकाको स्तरमा सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेमा नै केन्द्रित छ। सभामुख घरती विकास आयोजना सबके कार्यान्वयन में समस्या रहला के कारण संता लाभ पाब नहीं सकल कहत आयोजना सबके काज प्रभावकारी बनाब दिस सरकार के गंभीर होब पड़त बतौने छली। ओ योजना के तर्जुमे से बेसी कार्यान्वयन मुख्य समस्या भेला से संसद सेहो विकास आयोजना सबके प्रभावकारी बनाब दिस केन्द्रित रहल बतौने छली। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले व्यवस्थापिका संसद में शक्तिशाली मानल जायवला सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति अपन पार्टी पाबल लगलाक संगे किछु प्रभावशाली सांसद सबके संसदीय समिति हेरफेर केलक अछि। एमाले विष्णु पौड़ेल आ आनंदराज पोखरियल के लेखा समिति में पठौने अछि। एहि सँ पहिने के सरकार में मंत्री होबय सँ पहिने पौड़ेल वातावरण संरक्षण समिति तथा पोखरियल जल स्रोत तथा कृषि समिति के सदस्य रहल छलाह। एमाले इससे आगू अर्थ समिति में रहल सांसद मंजू कुमारी चौधरी के सेहो लेखा समिति में पठौने अछि। एमाले रवि दिन 11 गोटे सांसदक संसदीय समिति हेरफेर करौने में पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलक नेता के पी शर्मा ओली आ उपाध्यक्ष भीम रावल सरकार में सहभागी होबय सँ पहिनहि जकाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा श्रम समिति चुनने छथि। तहिना राप्रपा नेपालक सांसद कुन्ती कुमारी शाही कृषि तथा जल स्रोत समिति छोड़ कऽ विधायन समिति में गेल छथि। संसदक रवि दिन बैसल बैसार सँ 19 गोटे सांसद सभक संसदीय समिति हेरफेर संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत केलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल यहाँ भारत 30 गते दक्षिणी पड़ोसी भारत के 3 दिन भ्रमण के लेल जा रहल छथि। भ्रमण के अवसर में कोनो एकटा पैघ परियोजना के लेल समझौता करबाक तैयारी सेहो कयल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री वीरेन्द्र निधि के भारत भ्रमण के क्रम में नेपाली आ भारतीय अधिकारी सब बीच प्रधानमंत्री दहाल भादव 30 आ 31 गते उच्चस्तरीय भेटघाट आसिन 1 गते स्वदेश घुरे के भ्रमण तय भेल अछि। निधि शनि दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगे भेटवार्ता केने छलाह। वह क्रम में उप प्रधानमंत्री दहाल लिखने पत्र मोदी के हस्तांतरण सेहो केने छलथि। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी सभक अनुसार प्रधानमंत्री दहाल अपन 9 महीना कार्यकाल में कूटनीतिक आ राजनीतिक से बेसी विकास निर्माण के कार्य आगू बढ़ावा चाहला से ओय में सहयोग की अपेक्षा रखने छथि। प्रधानमंत्री दहाल यह इच्छा अनुसार भ्रमण के क्रम में कोनो पैघ परियोजना में सहयोग के समझौता होबाक अपेक्षा सेहो कयल गेल अछि। ओय के अतिरिक्त प्रधानमंत्री दहाल भ्रमण के क्रम में करय चाहने समझौता सब लंबा फेरिस्त होबय सकबाक पठौने अछि। ओय के आधार में उप प्रधानमंत्री निधि भारतीय अधिकारी सब संग भ्रमण के क्रम में सफल केने बताओल गेल अछि। जनकपुरक मारवाड़ी समुदाय अरुण सिंघानिया हत्या प्रकरण में पुलिस के अनुसंधान प्रति असंतुष्टि जनेलक अछि। हत्या के प्रमुख योजनाकार के रूप में दावी कयल गेल राम विनोद यादव पकड़ेलाक बाद अनुसंधान के संबंध में बुझ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा पहुंचल मारवाड़ी समुदाय पुलिस के अनुसंधान प्रति असंतुष्टि जनने अछि। मारवाड़ी सेवा समिति सनकपुरक अध्यक्ष ललित बजाज राम विनोद यादव के अदालत में हाजिर भेला से सिंघानिया हत्या प्रकरण के अनुसंधानक दायरा सेहो संकुचित भेल बतौने छल। हाजिर भेलैए केना भेलैए की कारण से भेलैए से हम नहीं कह सकै छी। इसे कहाँ कमी कमजोरी रह गेलै सेहो नहीं कह सकै छी। कहीं ना कहीं हमरा सबके दुर्भाग्य है से पुलिस के में हाजिर पकड़ा के नहीं पकड़ा के रात में हाजिर भेलै। धनुषा पुलिस सिंघानिया हत्याकांड में और एक गोटे के पकड़ के बाकी रहल कहने आ वह अभियुक्त पकड़ेला से हत्या के रहस्य खुजत प्रतिबद्धता जनेने कहलन। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय परिसर में अपन टीवी से बातचीत करैत आरोपित राम विनोद यादव प्रहरी अपना कारागार नहीं पठाकर विभिन्न तनाव सब दऽ रहल कहैत
विभिन्न बहानामे अपना यता रखने बतौलकै छ। कानूनी तरीका से ते दिन रखल के तई बात से साबित हुए कि जे कि कोनो नि कोनो ढंग से प्रहरी फसायल गेली सही बात से पुष्टि हुई। सिंहानिया हत्या के घटना के अनुसंधानक प्रगति विवरण बुझ मारवाड़ी समुदाय के टोली जिला प्रहरी कार्यालय पहुंचल छल। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के अध्यक्ष मोहन वैद संविधान में आमूल परिवर्तन के आवश्यकता रहल बतौलने। जनकपुर में रवि दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ संविधान संशोधन अपन लेखन के वर्गीय मधेशी के हित होब निश्चित धारणा रखलन। मधेशवादी दल में मधेश के हित से बेसी संसद के मोह के कारण आंदोलन के गंतव्य में पहुंचाब नहीं सकल कहत ओ दल सब देव लागल धोखा से सजग रह जरूरी है कहलन। एक प्रश्न के जवाब में ओ अपन सहयात्री प्रचंड संगे पुनः सहयात्रा के संभावना नहीं रहल बतौने। जनता के हित के दृष्टि से वर्तमान सरकार के सफलता कसी प्रश्न ने कहत ओ सरकार के सफलता के कोनो आधार नहीं भेल सेहो बतौने। अध्यक्ष वैद अपन दल देश में नया आंदोलन के तैयारी में लाग पड़ल सेहो जानकारी दलन। क्रांतिकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद वर्तमान संविधान से देश आ मधेश के समस्या समाधान नहीं हैत दावी कलन। संविधान सभा के चुनाव बहिष्कार कर शांतिपूर्ण राजनीतिक अभियान चलौने मोहन वैद के क्रांतिकारी माओवादी संसदीय व्यवस्था के विरोध में। जनकपुरक सर्वसाधारण से पूछने छलौ संविधान संशोधन अपन लेखन से देशक समस्या समाधान नहीं हैत कहने दावी के संबंध में अहाँ के कहब की अहाँ के बात जहिना तहिना। जहिया मधेश से 6 महीना बंदी करेलकै तहिया ओ कतऽ रहै पार्टी ओकर अध्यक्ष कतऽ रहै कै दिन अली मधेश के लागि आंदोलन करे के लागि है ना। तो सब ई वोट के लागि अपना स्वार्थ के लागि मात्रे सब लड़े यदि सच्चा है तो जहिया ये मधेश के बारे में वो हक हित के बारे में जहिया कहते तहिया मात्रे बुझबी नहीं तो अपन अपन सब काम के लागि अपन रोटी सेक आरो बाहे कथु। संविधान जे छै एकटा जे खास करके एकटा जे कहल जेतै तऽ अब अखन जेटा जे छै कहकर मतलब जे इहे संविधान सब दिन रहि जाती कहकर मे से वाला बात नहीं छै। एकटा जे बीच में अहाँ त्रुटि शब्द का अहाँ के जे किछु सुधार कैल जा सके कि जना एनडीओ में अहाँ के बहुत त्रुटि अहाँ के वन ढंग के भ चुकल है। संविधान के त्रुटिपूर्ण त्रुटि है ओकरा पूर्ण करे पड़ते। और रह गई बात सीमांकन के बात तो सीमांकन भी कुछ त्रुटि है और त्रुटि है लेकिन एक संविधान जे अहाँ के जे है से रहिए नहीं जते। संविधान परिवर्तित संविधान है परिवर्तन होते परिवर्तन जात होते रहते। अभी के वर्तमान के मधेशी दल जे है वो सरकार से वार्ता ओकरा संशोधन के प्रक्रिया तरफ लग जा रहा है। कानून व संविधान व केकरो विधान खराब नहीं हुई ओकरा इम्प्लीमेंट कर वाला खराब हुई थी। अहाँ के जो अधिकार है वो अधिकार अगर नहीं दल जाइए वही खराबी भ जाइए तो संविधान कहीं कोनो खराब नहीं हुई है ओकरा प्रयोग करे वाला खराब हुई। तो समानुपातिक यदि बात करबे तो समानुपातिक में कम से कम 50% के डिमांड है नहीं 50% देवे तो 40-60 में तो लजा पड़ल ने तो निश्चित बुझते हो सब त्रुटि से संविधान में है तेकरा संशोधन के जरूरत है। ते दुआरे चाहे मधेशी दल उठेने से ओकर एजेंडा अपना जगह ठीक है और पार्टी मधेशी के बात में हम मिला के एजेंडा उठबै छै पूर्णतः मधेशी के अधिकार सुरक्षित अखन नहीं भेल छै सुरक्षित करे के संशोधन के जरूरत छै। वास्तव में मधेश को हित में तो छै छै अब मधेश को हित में छै पर निश्चय अपने देश को हित में छै कि भने तपाईको आधा अंग काटी दियो भने आधा अंग बाँच्न सक्दैन त्यस कारण दुबई को हित में होने पर्छ मधेश को हित में देश को हित में अनि मात्र त्यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ राम्ररी र त्यसले देशलाई भलो गर्छ सबैलाई भलो गर्छ। जनकपुर महानगरपालिका सब पुलिस लागू औषध सहित 1 कोटी युवा के पकड़लकै। जनकपुर महानगरपालिका 1 रेलवे पुलिस चौकी से गुजर रहल समय में शंका के आधार पर खान तलाशी केला पर जनकपुर 1 रहनिहार कुशे कुमार राम के संग से लागू औषध भेटल। राम से स्पैस्मो 5 पीस नाइट्रोफेट 12 पीस आ नाइट्रोसन 7 पीस भेटल हुनका जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा पठायल गेल।
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल आम जनता के परिवर्तन कर महति दियावत सरकारी निकाय सब पारदर्शिता अपना कर कार्यशैली में सुधार कर आवश्यक रहल बतौलन प्रधानमंत्री दहाल रवि दिन सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन बुझे के क्रम में सरकारी निकाय के कार्यशैली के विषय में सड़क में सभी प्रश्न उठाव लागल कहित उ प्रश्न के जवाब देव जका कार्यशैली में सुधार कर के आवश्यक रहल बतौलन ओ सुशासन आ पारदर्शिता के प्रवर्धन क के विकास निर्माण के काज के तीव्रता दिलाक बाद मात्रे सरकारी निकाय ऊपर आम जनता के भरोसा बढ़त सेहो बतौने छलथि प्रधानमंत्री दहाल सुशासन आ पारदर्शिता प्रवर्धन के लिए अपने कार्ययोजना सहित काज कर लागल बतौलन ओ विकास निर्माण के काज के विषय में सब मंत्रालय के सचिव सब कार्ययोजना पेश केने कहित अपने अराजकता आ अपारदर्शिता अंत्य ओ कार्ययोजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर के उपाय के खोजी क रहल सेहो बतौलन कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष पशुपति मुरारका निर्णय प्रक्रिया में ढिला सुस्ती सरकारी निकाय के सबसे पैघ समस्या भेल बतौने छल ओ सार्वजनिक निकाय मूल्य बेसी पड़ला के बाद स्वदेशी वस्तु खरीद कर के व्यवस्था कार्यान्वयन कराब प्रधानमंत्री दहाल के ध्यानाकर्षण कराने छल नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह के संख्या आ सीमा निर्धारण के विषय में सुझाव संकलन के लिए केंद्रीय सदस्य जिला सभापति सब के भेला कलक स्थानीय तहक संख्या आ सीमा निर्धारण आयोग स्थानीय तहक संख्या बेसी में 565 मात्र होबक बतौला के बाद कांग्रेस ए विषय में सुझाव देव केंद्रीय सदस्य आ जिला सभापति सब के भेला केने छल भेला के उद्घाटन करैत सभापति शेरबहादुर देवा स्थानीय तहक सीमांकन के विषय में लचक भक सुझाव देव केंद्रीय सदस्य आ जिला सभापति सब संगे आग्रह कलन ओ प्रदेशक सीमांकन के समस्या समाधान होब जका संविधान संशोधन नै होब धेर स्थानीय तहक निर्वाचन कर संभव नै रहल कहैत मधेशवादी अन्य दल संगे सहमति के लेल कांग्रेस लचक होब पड़त बतौलन उनीहरूलाई स्वागत गराइदिनु भयो भने आन्दोलन चुनाव गराउन गाह्रो छ त्यस कारण चाहिँ मधेस आन्दोलन दल होस् तपाईँको सल्लाह नगरिकन उनको पनि स्वागत नदिकन बनाउँदाखेरि पनि चुनाव गराउन गाह्रो हुन्छ त्यसरी अहिले एकातिर चाहिँ मधेस आन्दोलनलाई पनि हामीले समर्थन गरेर अगाडि बढाउनु छ सीमाका लगायतका समस्या समाधान गर्नुका साथसाथै यो पनि समस्या समाधान गर्नु छ लचिलो भएर जाँदाखेरि हुन्छ भोलि अरू पार्टीको पनि धारणा लिनुपर्ने हुन्छ अरू सबैले सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नै निर्णयले आफ्नै हातको हात बाँड्ने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन त्यसरी हामीले फ्लेक्सिबल चाहिँ राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ भेला में पार्टी नेता रामचंद्र पौड़े स्थानीय जनता सरकारी सेवा सुविधा जल्दी आ सहज रूप में पाव जका स्थानीय तहक पुनः संरचना कर पड़त बतौलन ओ स्थानीय तहक पुनः संरचना क के चैत महीना में स्थानीय तहक निर्वाचन करवाक व अघन महीना में स्थानीय निकाय के निर्वाचन करे के विषय में सुझाव देव जिला सभापति सब संगे आग्रह कलन संसदको चुनाव पनि हुन सक्दैन भन्ने एउटा समस्या छ अब त्यो सक्छ भने के भनेदेखि अहिले तत्कालको लागि ल गाविसकै चुनाव गर्ने हो भनेदेखि गाविसकै चुनाव गर्ने हो भने आइडिटीमा चुनाव गर्ने हो भनेदेखि अहिले मङ्सिरमै गरिदिए हुन्छ भेलामै पार्टी नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला स्थानीय तहक जति जल्दी भ सके पुनः संरचना क स्थानीय तहक निर्वाचन गर पड़त आ एहिके लेल सरकार पुनः संरचना सम्बन्धी आयोगके कार्यक्षेत्र तत्काल परिमार्जन करऽ पड़त बतौलन ओ आयोग जल्दी काज कर नै सकल तथा कार्तिक महीना भीतर निर्वाचन के घोषणा नै कलक त चैत महीना धरि स्थानीय तहक निर्वाचन संभव नै होत आ वैशाख महीना में पार्टी के नेतृत्व सरकार गठन कर के समझदारी धराप में पड़त सेहो बतौने छल पालिका नगरपालिकाहरूको निर्वाचनको घोषणा गर्न सकेन भने चैतभित्र निर्वाचन सम्भव छैन निर्वाचन आयोगले चार महिना अगाडि मलाई दिइसक्नुपर्छ भनेको छ सरकारको निर्णय चैत अन्तिममा निर्वाचन गरे चैत फागुन माघ पुष मङ्सिरतिर जानुपर्छ हामीले फागुनको अन्तिमतिर अथवा चैतको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्ने गरी गऱ्यौँ भने अनि वैशाखमा सहज ढङ्गले नयाँ सरकार बन्न सक्छ हाम्रो नेतृत्वमा आजसम्म बुझाइ मैले बुझेको यो भेलामै नेपाली कङ्ग्रेसक सब केन्द्रीय सदस्य आ 75 जिल्लामै सभापति सबके
सहभागिता सहित दू दिन धरि चल वाला भेलाक बाद कांग्रेस स्थानीय तह के पुनः संरचना के विषय में अपन अवधारणा सार्वजनिक करे के कार्यक्रम रहल अछि। नेत्र विक्रमचंद नेतृत्व के नेकपा माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्र ऊपर माओवादी विचार आ राजनीति से विचलित भेल दलाल के आरोप लगौने अछि। नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्था में पतित भ चुकला से अपने मात्र सच्चा क्रांतिकारी भेल दावे करत क्रांति के कार्यभार पूरा करबाक लेल अपना समक्ष आवा माओवादी कार्यकर्ता सब संगे आग्रह कलक अछि। नेकपा माओवादी माओवादी के विभिन्न समूह होत संदेश पौडेल रमेश नेपाली आ विष्णु ढुंगाना अपन पार्टी में प्रवेश कर लागल विषय के क्रांतिकारी सबक एकता के रूप में व्याख्या कलक अछि। नेकपा माओवादी के प्रवक्ता खड़ग बहादुर विश्वकर्मा रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क क्रांतिकारी माओवादी सबके एकीकृत होबा से ककरो रोक क्यों रोक नहीं सकत बतौलन। ओ क्रांति के बाकी काज पूरा कर रहल सब क्रांतिकारी कार्यकर्ता सबके पार्टी भीतर पार्टी में आन के देखा दावी से हो केने छ आंदोलन लाई टूट फूट गरेर आफ्नो लूट को राज्य टिकाउँछौ भन्ने सपना जो देखेका थिए आज का मिति बाट त्यसको अन्त्य हुने प्रक्रिया को सुरुवात हामीले भनेका छौ। ध्रुवीकरण उतातिर तपाईले हेर्नु भएको छ प्रचण्ड जी भन्दै हुनुहुन्छ पार्टी एकता माओवादीहरुको एकता अहिले त्यो एकता माओवादीहरुको एकता होइन त्यो एकता माओवादी विचार र माओवादी राजनीतिबाट विचलित भएका दलाल संसदीय राज्य मानव व्यवस्थामा पतित भएका मान्छेहरुको एकता हो। नेकपा माओवादी माओवादी के विभिन्न समूह पर त्याग केने तीन गोटे नेता के पार्टी में प्रवेश कराबक लेल भादव 7 गते एकीकरण घोषणा के कार्यक्रम कैल जात से हो बतौलक अछि। चौधरी ग्रुप के अध्यक्ष विनोद चौधरी एहि वर्ष के एशियन मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित भेल अछि। नेपाल में गत वर्ष के विनाशकारी भूकंप पश्चात चौधरी के नेतृत्व में संचालित मानवीय आ परोपकारी कार्य सबके सम्मान स्वरूप अमेरिका स्थित मानवतावादी संस्था बी केयर फॉर ह्यूमैनिटी उक्त अवार्ड प्रदान कलक। बी केयर फॉर ह्यूमैनिटी अपन तेसर शिखर सम्मेलन तथा चारिम ग्लोबल ऑफिशियल्स ऑफ डिग्निटी अवार्ड के अवसर में न्यूयॉर्क में केने कार्यक्रम में विनोद चौधरी के उक्त सम्मान प्रदान कल गल। कार्यक्रम न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ भवन में आयोजना कैल गया छल। चौधरी संगे पूर्व मंत्री परिषद अध्यक्ष खेलराज रेग्मी भारतीय नेतृत्व तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जय ललिता युगो सौलभाग्य के चारिम राष्ट्रपति स्टीफेन मेसिक केन्या के दसम उपराष्ट्रपति स्टीफेन कालोंजो मुसियोका इक्वेडर के पूर्व राष्ट्रपति रोजालिया आर्टिगा के सेहो विभिन्न विधा में अवार्ड प्रदान कैल गया छन। चौधरी ग्रुप के प्रभारी निकाय चौधरी फाउंडेशन 2072 के विनाशकारी भूकंप पश्चात नेपाल में विविध मानवीय कार्य सब संचालन केने अछि। जाय अंतर्गत पहिल चरण में तत्काल राहत के कार्यक्रम सब संपन्न कऽ पीड़ित के लेल ट्रांजिशनल शेल्टर के निर्माण भूकंप प्रभावित क्षेत्र में विद्यालय भवन निर्माण लगायत कार्य सब संचालन में अछि। हाल चौधरी फाउंडेशन मार्फत आर्थिक स्वावलंबन महिला के सामाजिक स्तरोन्नति तथा आत्मनिर्भरता आ युवा के सिप विकासक लेल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सीजी सिप शिक्षा आ सीजी उन्नति परियोजना सब संचालित अछि। एहि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सिप आ ज्ञान के उपयोग के संगे उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकता के प्रवर्धन के लेल नेपाल सोशल बिजनेस के कार्यक्रम सब सेहो चौधरी फाउंडेशन मार्फत संचालन में रहल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज कुष्ठ रोग से बचक लेल भारत अपना के पैघ सफलता हासिल केने दावी कलक अछि। विश्व में पहल बेर भारत कुष्ठ रोग विरुद्ध के खोप के आविष्कार केने टाइम्स ऑफ इंडिया में उल्लेख अछि। ई खोप के आगामी किछु हफ्ता भीतर बिहार आ गुजरात के 5 जिला में उपलब्ध कराओल जायत। अखबार के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 225,000 लोक में कुष्ठ रोग देखल जायत अछि, मुदा खोप के सहायता से बहुत हद धरि रोग नियंत्रण कैल जा सकत दावी कैल गेल अछि। ई खोप भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के संस्थापक तथा निर्देशक जीपी तलवार विकास केने छथि। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आ अमेरिका के FDA सेहो एहि के मान्यता दऽ चुकल अछि। कुष्ठ रोग सरल वाला रोग भेला सँ संक्रमित
रोगी के समीप में रहवला के सेहो सड़क संभावना बेसी होइत अछि। ताहिसँ ई खोप ओहन व्यक्ति सबके लेल सेहो प्रभावकारी बनत बताओल गेल अछि। परीक्षण के क्रम में कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहवला के सेहो खोप लगाओल गेल छल, जाहिसँ 3 वर्ष के अंतराल में संक्रमित के संख्या 60% सँ कमी आयल छल। शुरुआती परीक्षण में एहि खोप के नतीजा संतोषजनक इलाके कारणे भारत भर में कुष्ठ रोग प्रभावित क्षेत्र में खोप पठाओल जायत बताओल गेल अछि। विवाह महोत्सव के अवसर पर दक्षिण टर्की में करायल विस्फोट में कमती में 30 गोटे मृत्यु भेल अछि। विवाहक भोज भ रहल समय में गजियान्टेप शहर में विस्फोट करायल गेल छल। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सबक रिहायशी क्षेत्र में करायल आत्मघाती बम विस्फोट के आवाज शहर के दोसर भाग धरि सुनायल छल। टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब के बमोजिम आक्रमण इस्लामिक स्टेट करौने अछि। दक्षिण टर्की के गजियान्टेप शहर सियाली सीमा सँ जुटल शहर अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। न्यूजीलैंड विरुद्ध के पहल टेस्ट मैच के पहल इनिंग्स में दक्षिण अफ्रीकी टीम मात्र 263 रन के सामान्य योगफल पर समटायल अछि। डरबन में टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने दक्षिण अफ्रीका अपन पहल इनिंग्स में मात्र 263 रन बनाब सकल। हासिम अमला 53 आ टिम्बा बभुमा 46 रन पर अतिरिक्त आन कोनो बैट्समैन प्रभावकारी प्रदर्शन कर नहीं सकल। रेबेदिन अपन पहल इनिंग्स के शुरुआत के लिए न्यूजीलैंड कमजोर शुरुआत के छल। दोसर दिन के खेल जारी रहल समय में न्यूजीलैंड 2 विकेट के क्षति में 15 रन बनौने अछि, तो केन विलियमसन 2 आ रॉस टेलर 2 रन बना कर 3 के खेल आगा बढ़ेता। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर सँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संविधान संशोधन के विषय में भारत में सफल केने कहत केलक सरकार के आलोचना। मधेशवादी आदिवासी जनजाति संबद्ध दल सब के असंतुष्टि संबोधन के लिए संविधान संशोधन कर आवश्यक रहल सभामुख घरती कहब। प्रधानमंत्री दहल के भारत भ्रमण भादव 30 गते 3 दिन भ्रमण के कोनो एकटा पैघ परियोजना के लिए समझौता करबाक तैयारी। जनकपुरक मारवाड़ी समुदाय रनसिंघनिया हत्या प्रकरण में पुलिस के अनुसंधान प्रति असंतुष्टि। टर्की के स्थित एक शहर में विवाह समारोह में विस्फोट 30 की मृत्यु 94 से बेसी घायल। व्यस्त अपने जखन के लिए इतवा पल पल खबर तेज नजर देखते रहो अपन टीवी। नमस्कार।